दरभंगा जिला गंगा समिति के नेतृत्व में स्वच्छता जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर में गुरु पर्व समारोह का किया गया आयोजन। लहरेसराय थाना की पुलिस ने एक साथी ठग को किया गिरफ्तार। लहरेसराय थाना की पुलिस ने तिवारी गिरोह के 3 साथी बदमाश को किया गिरफ्तार। अट्ठाईसवां जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अम्बेडकर सभागार में प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। भाजपा सांसद के भतीजे की गाड़ी से पाता में बच्चे की हुई मौत। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के संस्कृत विश्वविद्यालय के पीछे स्थित तालाब में एक युवती के कूदने से हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने उपकारा बेनीपुर का किया निरीक्षण। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आज दरभंगा में स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत श्यामा मंदिर परिसर में जिला गंगा समिति के नेतृत्व में स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला गंगा समिति दरभंगा नगर निगम 8 बिहार बटालियन NCC नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर एवं तालाबों की सफाई की गई एवं नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस अभियान में उपस्थित सभी लोगों ने गंगा की सहायक नदियों एवं जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ ली। दरभंगा के द्वारा 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक रेगुलर हम लोग के विभिन्न जगह कार्यक्रम है। इस प्रकार का हम लोग सेमिनार वहाँ पे समाहरणालय में रैली के माध्यम से जन जागरूकता की। आज हम लोग का श्यामा माई परिसर में नमामि गंगे के गंगा दूत नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर नगर निगम के कर्मी के साथ हम लोग आज यहाँ पे स्वच्छता अभियान श्यामा मंदिर परिसर में कर रहे हैं। कैडेटों के द्वारा श्यामा माई मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई। दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर में गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया गया। इस गुरु पर्व में दरभंगा जिले के अलावा दूर दराज से लोग पहुंचे थे। यहां तक कि नेपाल के भी लोग पूजा पाठ करने के लिए आए हुए थे। यह गुरु पर्व प्रत्येक वर्ष आसीन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ये बाबा रामधनी का मंदिर है और ये शुभंकरपुर में है। ये बाबा जो है गुरु नानक देव के परम शिष्य थे और इन्होंने प्रतापपुर जो वैशाली जिला के अंदर प्रतापपुर जगह है वहीं पर इनको गुरु नानक देव से भेंट हुई थी। वहाँ दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद वे अपने योग बल तप कहाँ जाए अथवा उनमें कहा जाए शक्ति कहाँ जाए उसके बल पर वो चलते हुए यहाँ आए और यहाँ आने के बाद वे अपनी कुटिया बना करके लहरेसराय थाना की पुलिस ने एक साथी ठग को गिरफ्तार किया है। उसका नाम नंदन बताया जाता है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि चंदन व्यवसाय के नाम पर कई लोगों से रुपए ले चुका है। उस पर 2.15 करोड़ रुपए ठगी का भी आरोप है। बाबूजी का नाम मनीष सिन्हा। कहाँ घर हुआ? अलपट्टी।
कितना पैसा खरीद किया हुआ? ठगी हम नहीं किए, हम ऑलरेडी हम भी केस किए हुए इस मुद्दे में, हम खुद विक्टिम हैं इस केस में। 16 लाख का मेरा खुद का गबन हुआ हुआ है। कौन किया है गबन? इसमें नजमुल ताकिब है गबन करने में, अभिषेक सिन्हा है और राहुल रंजन है। चलिए सर, लेट हो रहा है। कहाँ गए ये लोग? ये लोग आपको इस्माइल बैंक के एक इंदिरा कॉलोनी के और एक यहीं पर ये बाबू साहब कॉलोनी। चलिए चलिए। लहरिया सराय थाना की पुलिस ने तिवारी गिरोह के 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसमें पिता एवं पुत्र भी शामिल है। इनकी पहचान कौशल पांडे, अक्षय पांडे एवं सन्नी कुमार के रूप में हुई है। सन्नी कुमार कौशल पांडे का पुत्र है। वहीं थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि तीनों तिवारी गिरोह के सदस्य है, बैंक में महिला एवं बुजुर्ग पर नजर रखते थे। मौका देखते ही झपट्टा मार रुपए लेकर फरार हो जाते थे। कैसे कैसे ठगी करते थे? पैसा लेके निकलता था। कहाँ से? बैंक से। कितने आदमी को अभी तक कर चुके हो? 5-6 आदमी। कितने साल से कर रहे हो? 2 साल से। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ नहीं रहते, सीधे आते थे। कैसे आते थे? बैंक करके चल जाते। कहाँ से, कहाँ से आते थे? बस कहाँ से आते थे? वैशाली से। कितना तुम लोग के साथ और कितना लोग है इसमें? 6 आदमी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव दरभंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी ऑडिटोरियम में किया गया। वहीं आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत समूह लोक नृत्य गायन प्रतियोगिता, समूह अकल लघु नाटक, शास्त्रीय वाद, हारमोनियम वादन, कहानी लेखन, कविता, इसके अलावा झिझिया डांस, छठ पूजा का सामा चकेवा सहित कई अन्य प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित है यहाँ। वैसे ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। राष्ट्रीय श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित है। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए विभिन्न विधाओं में शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय गायन है, लोक नृत्य है, लोक गायन है, एकल है, वाद्य वादन है, तो इस तरह कभी कविता लेखन है, कहानी लेखन है, वक्तृत्व है, तो विभिन्न तरह की प्रतियोगिता। किसी भी प्रकार की हुई घटना को वैज्ञानिक तरीके से कैसे अनुसंधान करेंगे, इसको लेकर एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थी शिल्पा रानी के द्वारा दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अम्बेडकर सभागार में बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस आयोजित प्रशिक्षण में दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी तीनों जिला के दरोगा स्तर के पदाधिकारी, अन्य कई संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया कि किसी भी प्रकार की कोई घटना हुई तो उसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे अनुसंधान करेंगे और अनुसंधान करने के लिए उसमें कौन कौन सा उपकरण का उपयोग करेंगे, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। तो कम से कम ब्लड लिफ्टिंग, कहीं सैंपल कुछ लिफ्टिंग अगर लग रहा है, आवश्यक है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है आप एफिसर टीम को बुलाइए, एफिसर टीम आएगी, आपका सहयोग करेगी, आपका ब्लड जो भी सैंपल है आपके अनुसंधान में मदद करेगी। अब सारे डायरेक्टर्स का नंबर हम आपको, इसके अलावा आपको और भी कुछ रखना है जैसे स्पैचुला रखना है, इसके बदले एक चम्मच रख लीजिए सबसे अच्छा है, ठीक है। तो चम्मच ही है ना, ये क्या है, कहीं उठाने के लिए कुछ काम आएगा। ग्लव्स नहीं है तो कहीं भी किसी भी घटना स्थल पे कोई एग्जिबिट उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं कुछ, तो कुछ नहीं है तो कम से कम हाथ में पॉलिथीन लगाकर ही उठाए, ठीक है। कागज से पकड़ के ही उठाइए, फिर उसको फेंक दीजिए। दूसरा जगह लेना है तो दूसरा कागज पॉलिथीन से पकड़ के उठाए, तो अपना बहुत सारा चीज अपने क्या।
दरभंगा सदर प्रखंड के घोरघट्टा पंचायत के पाता गांव में दो दिन पहले 23 दिसंबर की शाम 5 बजे शराब पीकर चला रहे भाजपा के सांसद अशोक यादव के भतीजा ब्रह्मानंद के अनियंत्रित गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में घायल हुए बच्चों की जीवन मरण से जूझते हुए कल आरबी मेमोरियल में मृत्यु हो गया। बच्चों की मृत्यु से मर्माहत परिजनों एवं ग्रामीणों के साथ सहानुभूति दिखाने एवं अपनी गलती कबूलने के बदले अचानक ब्रह्मानंद अपने गुंडों के साथ पुलिस के सहयोग से गाड़ी लेने के लिए पाता गांव पहुंचे, जहां बच्चों के परिजनों को पुलिस गाड़ी में जबरन बैठा लिया गया और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी को भी साथ में ले गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विश्वविद्यालय के पीछे स्थित तालाब में एक 19 वर्षीय युवती अंजनी कुमारी कूद गई, जहां डूबने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि यही युवती मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कटरा थाना के सिंगवाड़ी गाँव की रहने वाली है, जो यही कैदराबाद में किसी के मकान पर किराए में रहकर आजम नगर में स्थित मिथिला कॉलेज महिला में BSc पार्ट 1 में पढ़ती थी। यहाँ तो हम लोग मुजफ्फरपुर से कटरा थाना मेरा घर हुआ, बच्ची यहाँ पढ़ती थी। किस क्लास में? ये ग्रेजुएशन कर रही है। ठीक है, दो दिन पहले हमारा 3 बच्चा रहता है एक साथ, दो दिन पहले मेरे समधी और समधीनी दोनों एक्सीडेंट कर गए, जो कि मेरा बेटी और दामाद यहाँ नहीं रहते, तो उन्हीं को सेवा के लिए इन लोगों को बुला लिए। इसी बीच में दो दिन में घटना हुआ है, बात बाकी कुछ नहीं, मौत तो ईश्वर के हाथ में, आप चाह के हमको नहीं मार सकते। क्या कुछ इच्छा रखी थी कि कुछ बनने का, कुछ सपना था? देखिए ऐसा कुछ नहीं, हम सभी बच्चा को फ्री दिए हुए हैं, मेरे पास में अपना स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारा कुछ है, जिसको जहाँ पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं विवाद कभी कुछ नहीं, मेरे घर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। फिर इस तरह का कदम उठाने का क्या लग रहा है? आप देखिए ये तो होनी है, कोई नहीं टाल सकता है। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव रंजन देव ने उपकारा बेनीपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक वार्डो के बंदियों से रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य, विधिक सहायता आदि मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। तरुण वार्ड में कैदियों से उनके उम्र में बाबत पूछताछ किया। उन्होंने कहा यदि कोई काराधीन बंदी 18 वर्ष से कम उम्र के है तो अपने जन्म संबंधी प्रमाण पत्र के साथ विधिक सहायता के लिए आवेदन करे। सचिव रंजन देव ने जेल विजिटिंग अधिवक्ता एवं जेल PLV से कहा कि सभी जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा मिलना चाहिए, साथ ही इसके लिए बराबर बंदियों से मिल। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक 26 तारीख को क्रमशः जाले थाना से 1, नगर थाना से 1, सिमरी थाना से 1, मब्बी थाना से 1 कुल 4 फरियादियों की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। पुलिस ने दो अलग अलग जगहों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। केवटी थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि दहीपुरा गांव में नशे की हालत में शोर शराबा कर रहे दहीपुरा गांव निवासी बबलू कुमार यादव को थाना लाकर ब्रेथ इनहेलाइजर मशीन से श्वास परीक्षण कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई। इस मामले में पुलिस ने बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर अपर न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा के न्यायालय TR 328/24, के वारंटी एवं वनवारी गांव निवासी मोहम्मद शहजाद एवं मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।